अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.9 से पहले उसकी कुछ एग्जांपल्स है वो एग्जांपल करें। एग्जांपल वाले में बोला उन्होंने सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन दे दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों और दोनों ही टू टू वेरिएबल्स पर डिपेंड वेरिएबल्स वाली हैं, दोनों में एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। अब इधर देखें, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 2 है, इसमें वाई स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, इसमें वाई स्क्वायर का क्वेश्चन 3 है। जो 4.8 में की थी उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो क्वेश्चन होते थे वो सेम होते, तो हम बस डायरेक्ट उन्हें माइनस कर देते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते, फिर एक्स और वाई वेरिएबल्स बन जाते उनसे और वो लीनियर इक्वेशन बन जाती थी। लेकिन इसमें एक्स वाई वेरिएबल्स जो है वो सिंपल 1 पावर की फॉर्म में तो है ही नहीं, स्क्वायर में ही है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन को सेम करेंगे या वाई स्क्वायर क्वेश्चन को जो है वो सेम करेंगे। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2y² इक्वल 50। ठीक हो गया। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर देंगे, 2x² प्लस 2y² इक्वल 50। अब ये लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन, 2x² प्लस 3y² इक्वल 6, दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2 में से 3y² माइनस करेंगे तो माइनस y² आ गया, इक्वल 50 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44, ये माइनस उधर चल जाएगा, y² इक्वल आ गया माइनस 44। ठीक हो गया, 6 आता। अब क्या अगर y² की वैल्यू है, ये y² की वैल्यू अगर हम इसका स्केयर रूट लें तो ये आ जाएगी y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 44, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 स्केयर रूट माइनस 11, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 11 आयोटा भी लिख सकते हैं क्योंकि अंदर माइनस है स्केयर रूट के। ठीक हो गया। अब अगर हम पुट करें, पुट वाई स्केयर इक्वल माइनस 44 इन इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें मर्जी पुट कर दें। ठीक हो गया। 1 में अगर पुट करें तो ये 1 है, तो हम लिखेंगे 2x² प्लस 2y², तो मतलब इसका स्केयर माइनस 44, y² था ना तो y² की जगह माइनस 44, उसका स्केयर क्यों लिखा, क्योंकि ये भी y² था और ये भी y² की वैल्यू थी, y की वैल्यू नहीं थी, इक्वल 50। ठीक हो गया। ये आ जाएगा 2x² माइनस 88 इक्वल 50, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x² इक्वल 50 प्लस 88, 2x² ये आ जाएगा 8 138, एक्स 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, सॉरी एक्स स्केयर एक्स नहीं है, 2 1 2, 2 2 6 12, 2 9 18, तो एक्स स्केयर हमारे पास क्या आ गया 69। तो इसका जब हम स्केयर रूट लें तो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 69 का स्केयर रूट। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट में हमने यही यूज़ करनी है वैल्यू, प्लस माइनस सॉरी पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 69 का स्केयर रूट, और वाई की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 44 का स्केयर रूट। ठीक हो गया। ये हमारे पास एग्जांपल 1 सॉल्व हुई। देखिए हमने क्या किया है, एक्स स्केयर ऑप्शन को सेम किया मैंने, आप लोग वाई स्केयर ऑप्शन को सेम कर सकते, तो उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, लेकिन मैंने एक्स स्केयर ऑप्शन को सेम किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, ये इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को माइनस किया, मेरे पास वाई स्केयर इक्वल माइनस 44 आ गया। फिर वाई स्केयर इक्वल माइनस 44 जो था मैंने इस इक्वेशन 1 में, चाहे आप लोग 2 में पुट कर जिसमें मर्जी करते, मैंने 1 में जहाँ वाई स्केयर था वहाँ माइनस 44 लिख दिया, सॉल्व किया, एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। लेकिन हमें एक्स और वाई की चाहिए थी इसलिए मैंने ये किया, यहाँ पे इसका स्केयर रूट लिया तो हमारे पास वाई इक्वल आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 44, इस तरह में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग 2 स्केयर रूट माइनस 11 भी लिख सकते हैं, या माइनस की जगह आयोटा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। और इसका मैंने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास प्लस माइनस आ गया स्केयर रूट 69। ठीक हो गया। ये मैंने पहले एक्स की वैल्यू बाद में वाई की वैल्यू लिखी, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया एग्जांपल 1। बुक में जो एग्जांपल 1 है उसमें जो स्टेटमेंट लिखी एग्जांपल 1 की, उसमें यहाँ 6 ही लिखे, लेकिन जब उन्होंने सॉल्व किया, सॉल्व करते वक्त उन्होंने 6 नहीं 66 यूज़ किया, मतलब अब 66 ही मैंने सॉल्व कर दी, 6 से भी सॉल्व कर दिया, मैं 66 से भी सॉल्व कर दिया, अगर 66 हो तो माइनस करने से हमारे पास यहाँ क्या आएगा माइनस 16, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ आ गया 16 का स्केयर रूट हमारे पास क्या आता है, तो ये सारा यहीं आएगा, 16 का स्केयर रूट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। ठीक हो गया। यहाँ 16 पुट करेंगे वाई स्केयर की जगह, यहाँ आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा प्लस 32, यहाँ के माइनस 32 हो जाएगा। ठीक हो गया। 32 में से सिर्फ 50 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, ये आ गया 18, फिर इसे यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 18 डिवाइड 2 तो 9 आ गया, तो एक्स स्केयर आ गया 9,
तो स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक हो गया, ये 66 से भी सॉल्व कर दिया और 6 से भी सॉल्व किया। अब एग्जांपल 2 करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में सॉल्व दी इक्वेशंस, दो हमारे पास इक्वेशन दे दी गई हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। पहली जो इक्वेशन है हमें होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है, कैसे पता चला वो इक्वल जीरो की है इसने, तो हम क्या करेंगे, इस होमोजीनियस इक्वेशन जो है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर तो बना लेंगे हम, 2 में 1 ऐड किया तो 3 बन जाता है, तो हम इसके हम फैक्टर बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम लिखेंगे 2 + 1। एक्स वाई वैसे आ जाएगा प्लस 2y² जो है ये भी वैसे आ जाएगा इक्वल जीरो। इसी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में से इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1xy, उसे सिंपल xy ही लिख लें, प्लस 2y² इक्वल जीरो। अब इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया, दो दो में से कॉमन लेना है हमने, तो यहाँ सिर्फ रह गया x माइनस, यहाँ रह गया 2, x कॉमन चला गया और रह गया y। ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y लिख लेंगे, और जहाँ माइनस का साइन इसलिए माइनस लिखेंगे। y कॉमन चला गया, x रह गया, बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2y² था, 1y बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 1y। अब x माइनस 2y जो है दोनों में सेम है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 2y को। अब यहाँ भी हमारे पास रह जाएगा x माइनस, यहाँ पे रह जाएगा y। अब ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, दोनों को इक्वल जीरो के रखेंगे, x माइनस 2y इक्वल जीरो, x माइनस y इक्वल जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 2y, x की वैल्यू 2y आ गई, और यहाँ से x इक्वल y। ठीक हो गया, इसे कह दें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक हो गया, ये दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आई, तो इसे हम इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 को भी इसमें पुट करेंगे, 4 को भी इसमें पुट करेंगे। ठीक हो गया, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसे पुट कर देंगे। एक्स की जगह 2y करेंगे, पहले जहाँ जहाँ एक्स मौजूद है वहाँ हमने 2y लिख देना, 2x² था तो हम लिखेंगे 2y² माइनस 3, फिर x था, x की जगह फिर से हम लिखेंगे 2y प्लस y² इक्वल 24। ये हो जाएगा 2 का स्केयर 4, 4 × 2 = 8, 8y² माइनस 3 × 2 = 6y प्लस y² इक्वल, इस तरफ ले आते माइनस 24 इक्वल जीरो, 8 × 1 = 9y² माइनस 6y माइनस 24 इक्वल जीरो। ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 3 × 3 = 9 होता है 3y² माइनस 3 × 2 = 6 होता है 2y माइनस 3 × 8 = 24 होता है, 8 × 3 = 24 और 6 × 4 = 24 होते हैं, तो 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आ जाता है, तो हम फैक्टर इसके बना लेंगे 6 − 2, 3y² माइनस 2 की जगह आ जाएगा 6 − 4y माइनस 8 इक्वल जीरो। अब हम क्या करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस की वजह से उसका जो साइन है वो भी हम चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y² माइनस 6y प्लस 4y माइनस 8 इक्वल जीरो। इन दोनों में से 3y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 3 × 2 = 6 होता है 2 रह गया, प्लस इन दोनों में से 4 को बना रहा है तो y माइनस 4 × 2 = 8 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, y माइनस 2 दोनों में सेम आ गया, y माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 3y और यहाँ रह गया प्लस 4 इक्वल जीरो। दोनों को इक्वल जीरो के रखेंगे, y माइनस 2 इक्वल जीरो, 3y प्लस 4 इक्वल जीरो, y इक्वल आ जाएगा 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल क्या आ जाएगा 2। अब ये दो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, कहाँ से आई हैं, हमने जब x इक्वल 2y को इस इक्वेशन पुट कर किया था, मतलब x इक्वल 2y से आई है, तो इन दोनों को x इक्वल 2y जो उसी में पुट करना है, x इक्वल y में पुट नहीं करना, पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि अभी सिर्फ y की वैल्यूज आई हैं, x की भी चाहिए तो 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी। x इक्वल पहले हम 2 को पुट कर रहे हैं, 2 y की जगह आ गया 2, 2 × 2 = 4, तो x क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक हो गया, अब हम फिर उसी में पुट करेंगे, x इक्वल 2 y था, y की जगह हम लिख देंगे माइनस 4/3, तो ये x इक्वल आ जाएगा माइनस 4 × 2 = 8/3, ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया।
ठीक हो गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन है x इक्वल वाई, तो हम क्या करेंगे वो भी इसमें पुट करें, जैसे x इक्वल माया है 2y जो था वो हमने इक्वेशन 2 में पुट करके सॉल्व किया सारा, अब x इक्वल वाई जो है ये 4 वाला उसे भी इसमें पुट करेंगे और हम इसे सारे को सॉल्व करेंगे। x इक्वल 2y पुट x इक्वल वाई, सॉरी 2y नहीं, 2y को सॉल्व कर लिया इन इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम y पुट कर देंगे। 2 एक्स स्केयर था हम लिख देंगे वाई स्केयर, माइनस 3 एक्स था हम लिख देंगे वाई प्लस वाई स्केयर, 24 उधर इक्वल था इधर माइनस 24 होगा, इधर आके ये 2y और ये 3y स्केयर आ गया, माइनस 3y माइनस 24 इक्वल 0, 3 पे डिवाइड हो रहा है डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ठीक हो गया, वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 आ गया हमारे पास। अब ये जो है इसे पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, किसके फैक्टर्स नहीं बनते, एट के ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं बनते जिन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। तो हमारा फॉर्मूला है वाई इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4 ए सी स्केयर रूट ओवर 2 ए। ठीक हो गया, माइनस बी की वैल्यू क्या, एक्स का सॉरी वाई स्केयर कोफिशियंट को ए कहेंगे, वाई कोफिशियंट को बी कहेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को सी कहेंगे, ये वैल्यूज पुट होंगे, ये बी की वैल्यू माइनस 1 है प्लस माइनस माइनस 1 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 आ गई और सी की वैल्यू माइनस 8 आ गई, स्केयर रूट ओवर 2 1, यह आ गया 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 8 4 जा 32 ओवर 2, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस 33 स्केयर रूट ओवर 2, ये हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू कैसे किससे आई है हमारे पास, y की वैल्यू x इक्वल y से आई है, तो उसमें पुट कर देंगे पुट इन 4, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल वाई की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी 1 प्लस माइनस के रूट 33 ओवर 2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, हमने क्या किया है उस होमोजीनियस इक्वेशन में के फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स करके उसमें से वैल्यूज हमारे पास x इक्वल 2 आए और x इक्वल y आ गया इक्वेशन 3 और 4 का। पहले इक्वेशन 3 को हमने 2 में पुट किया, y की वैल्यूज आई और जो y की वैल्यूज उसे दोबारा हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया तो x की वैल्यूज आई, एक सॉल्व हो गया। अब x इक्वल y को भी सॉल्व करना, उसे हमने इक्वेशन 2 में पुट किया हमारे पास y की वैल्यू आई और उस y की वैल्यू को दोबारा से इक्वेशन 4 में पुट किया हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, अब इन्हें ऑर्डर सॉल्यूशन सेट लिखते हैं हम, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो y की क्या पुट करने से आई थी 2, एक आ गया 4.2। ठीक हो गया, अब x की वैल्यू है माइनस 8 ओवर 3, y की क्या पुट की थी माइनस 4 ओवर 3। ठीक हो गया, अब दूसरा हमारे पास क्या है, x की आई है हमारे पास एक बार प्लस में लैदा से माइनस में लैदा से भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस के रूट 33 ओवर 2 आई थी, ये पुट करने से 1 प्लस माइनस के रूट 33 ओवर 2 ये पुट करने से। ठीक हो गया, इनको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लैदा लैदा भी लिख सकते, मतलब चार ऑर्डर पेयर्स बना दें इसके। ठीक हो गया, एग्जांपल 2 हमारी जो है ये सॉल्व हो गई है, आगे एग्जांपल 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।